पास ये सर सारे भाई ने बता दिया क्योंकि मैं स्टेज पे नहीं आना चाहता, मेरी कॉन्फिडेंस बहुत कम थी ना, तो वह भी मजबूरन है मना सबसे पहले मैं सर अली का थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उसने इतना बड़ा नाम मतलब कमाया है और कमाया भी गया इंशाल्लाह, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी लाजिक होती है, लाजिक है कि उसने बहुत बड़ी स्ट्रगल की इसके ऊपर, तो हम भी इंशाल्लाह स्ट्रगल करेंगे तो ऐसे में ही इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो तो बाकी एकेडमी भी बहुत ज़्यादा है अहमदाबाद में, तो मैंने पहले भी वो ईटाई में पकड़ में मैंने जो कमेंट किया था कि 120% है मतलब ये परफेक्ट एकेडमी, क्योंकि इधर बायो का भी टीचर बहुत ज़बरदस्त है और फिजिक्स का भी टीचर बहुत ज़बरदस्त है और केमिस्ट्री का, तो सब आप इधर हमारे सामने बैठा हुआ अच्छे ज़्यादा हमारा और इसके बाद फिलहाल इधर अहमदाबाद में आए, पहले उन्होंने पिशावर में पढ़ाया और न्याज सर को तो कोहिस्तान के पत्थर भी जानते हैं ऐसे और इंशाल्लाह मैं उम्र रखता हूँ कि एक दिन अली सर को भी कोहिस्तान के पत्थर जानेंगे इंशाल्लाह, और फारस सर को भी, अगर पत्थर तक जानेंगे तो समझो कि हाथ तक जाएंगे, और कोहिस्तान ही अगर जानेंगे तो समझो कि हाथ तक जाएंगे, और अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना, और ऐसे मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बताऊँ, और लास्ट में मैं जितने भी मेरे फ्रेंड हैं और मेरे सारे कोहिस्तान के हो या गिरी जितने भी हो, मैं उनको ये कहूँगा कि आओ कि एडमी ऐसे ही एकेडमी ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो पूरा मेरी रिक्वेस्ट है ना कि वजी है ना ऐसे एकेडमी ज्वाइन करता, और अगर बेशक दूसरे दिन क्लास होता अगर डिफरेंस फर्क आ राइट साइड बेसी लेफ्ट साइड हन अस्करी हन और राइट साइड हन बेसी एम एम और मुती बड़ी बड़ी नौ वाला एकेडमी सर चिक होता अगर डिफरेंस फिल बिली तो बेशक ऐसे ही मतलब ज्वाइन करवा ठीक है।